राजधानी भोपाल में एनएचएम संविदा आउटसोर्स के सैकड़ों कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया है। संगठन के मीडिया प्रभारी कोमल सिंह ने कहा कि एनएचएम को सपोर्ट करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया है, जिसके चलते आज उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द मांग पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। रोल जी, आज आप नहीं सर, हम स्वास्थ्य मंत्री के बंगले आए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से सरकार से लगातार अपन आवाज उठा रहे हैं कि जो 20 साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सेवा देने के बाद इनको हटाकर आउटसोर्स कर दिया गया है। शासन प्रशासन द्वारा लगातार इन कर्मचारियों पर लगातार शोषण कर किया जा रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहना योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ भी बहना सड़कों पर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी दो प्रमुख मांगों को लेकर लगातार काफ़ी लंबे समय से हड़ताल कर रहे थे, लेकिन संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में इन कर्मचारियों की मांगों को छोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की मांगों को, निष्कासित कर्मचारियों की मांगों को लेकर, इन मांगों को लेकर आज माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया है कि हमारी मांगों पर अतिशीघ्र सुनवाई की जाए, हमारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाए, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया और हमारी विभागीय प्रमुख माननीय मिशन संचालक महोदय को हमारे सामने फोन लगाया और बताया कि इनके विषय पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए।